हेलो गाइस, बेस्ट होम डिजाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नए घर का डिजाइन जो कि 2BHK अपार्टमेंट है। इसमें हमने ग्राउंड फ्लोर में स्टिल्ट पार्किंग का प्रोविजन दिया है और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में 2BHK का प्रोविजन दिया है। तो इसमें दो अपार्टमेंट का प्रोविजन हमने दिया है। यह घर ईस्ट फेसिंग है और यह फुल्ली वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इस घर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यह घर टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20 से 25 लाख के बीच में बनके तैयार हो जाएगा। और हमारे इस घर का जो ओरिएंटेशन है ईस्ट फेसिंग है और यह घर 15 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट में डिज़ाइन किया गया है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस घर का। तो अगर आपको हमारे इस घर का 2D प्लान चाहिए जिसमें हर डिटेल्स प्रोवाइड की गई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे इस घर का इंटीरियर का वॉक थ्रू। तो ये आ जाता है हमारा मेन गेट जो कि बाहर का एंट्रेंस रहेगा और मेन गेट से कुछ व्यू ऐसा दिखने वाला है। अंदर जाते ही लेफ्ट तरफ आ जाता है हमारा एक स्मॉल ग्रीन एरिया और ये आ जाता है हमारा पार्किंग स्पेस जो कि कार और बाइक बोथ पार्किंग स्पेस रहेगा। आगे चलते ही आ जाता है हमारा ये स्टेयरकेस एरिया और स्टेयरकेस से ऊपर आते ही आ जाता है लेफ्ट तरफ हमारा सबसे पहला फर्स्ट अपार्टमेंट जो कि 2BHK रहेगा। ये आ जाता है हमारा लिविंग एरिया आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर 1। बेडरूम 1 से आगे चलते ही आ जाता है हमारा ये टॉयलेट एरिया। और ये टॉयलेट एरिया के पीछे आपको दिख रहा होगा ये डक्ट एरिया जो कि नेचुरल वेंटिलेशन और नेचुरल लाइटिंग के लिए प्रोवाइड किया गया है ताकि टॉयलेट बेडरूम 1 और बेडरूम 2 को नेचुरल वेंटिलेशन मिल सके। यह डक्ट आपको 3D प्लान में और ज्यादा समझ में आएगा। यह आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर 2 का व्यू। हमने बेडरूम 1, बेडरूम 2 और जो टॉयलेट एरिया है उसको एक डक्ट से कनेक्ट किया है ताकि नेचुरल वेंटिलेशन और नेचुरल लाइटिंग तीनों रूम्स में बनी रहे। बेडरूम 2 के बाद आगे आ जाता है हमारे ये साउथ ईस्ट कॉर्नर पे एक किचन एरिया और डाइनिंग एरिया। और किचन एरिया के आगे जस्ट आ जाता है हमारे ये बालकनी एरिया। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू और इसके जस्ट सिमिलर रहेगा सेकंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। तो ये था हमारा इंटीरियर वॉक थ्रू। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रूफ टॉप का व्यू। तो जैसा आप देख सकते हैं ये रूफ टॉप
काफी स्पेसियस रहेगा, जो कि कॉमन सर्विसेज के लिए यूज आसानी से किया जा सकता है। तो ये था हमारा 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारा 3D प्लान इस घर का। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे इस घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे इस घर का 3D प्लान। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान। तो ये आ जाता है हमारा ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान। ये आ जाता है हमारा फ्रंट रोड, जो कि ईस्ट फेसिंग रहेगा, और यहीं से हमने एंट्रेंस प्रोवाइड किया है, जो कि मेन गेट कहला जाएगा। और यहाँ पे आ जाता है हमारा पार्किंग एरिया, जो कि 3 कार पार्क की जा सकती है आसानी से राइट तरफ, और लेफ्ट तरफ आ जाएगा हमारा बाइक और बाइसिकल्स के लिए पार्किंग एरिया। फिर ये आ जाता है हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर पे स्टेयरकेस प्रोवाइड किया हमने, और यही रहेगा हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। यहाँ पे हमने एक डक्ट भी प्रोवाइड किया, आप देख सकते हैं, जैसा कि जो कि पाइपलाइंस और ड्रेनेज के लिए रहेगा। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान। अब मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट फ्लोर का 3D प्लान। तो फर्स्ट फ्लोर के 3D प्लान में आप देख सकते हैं स्टेयर केस से जस्ट अंदर आते ही हमारा आ जाता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे लिविंग एरिया। फिर नॉर्थ साइड में आ जाता है ये हमारा एक लॉन्ग गैलरी, और ये जो है हमारा वेस्ट साइड, यहाँ पे आ जाते हैं 2 बेडरूम्स और टॉयलेट एरिया। और यहीं पे टॉयलेट के पीछे आ जाता है हमारा एक डक्ट एरिया, जो कि बेडरूम 1, बेडरूम 2 और टॉयलेट एरिया से कनेक्ट है, और ये डक्ट दोनों बेडरूम्स और टॉयलेट में वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये था हमारा बेडरूम एरिया। और आगे आते ही आ जाता है हमारे एक किचन और डाइनिंग एरिया, जो कि कॉमन एरिया कहला जाएगा, और जस्ट उसके आगे आ जाता है हमारा ये बैल्कनी एरिया। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर का 3D प्लान। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेकेंड फ्लोर का 3D प्लान। फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर में कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि यह हमने अपार्टमेंट बेसिस पे डिज़ाइन किया है, ताकि यह सिमिलर डिज़ाइन किया जा सके। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको, वही सेम सिमिलर स्टेयर केस, लिविंग एरिया, बेडरूम और किचन हर जगह सेम है। तो ये था हमारा 3D प्लान। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा रूफ टॉप प्लान। तो ये देखिए रूफ टॉप प्लान कुछ ऐसा रहेगा। ये बहुत बड़ा रूफ एरिया आ जाएगा, जो कि पूरा कवर है, और यहाँ पे हमने एक डक्ट प्रोवाइड किया, जो कि मैं पहले फर्स्ट फ्लोर में बता रहा था, ये वही डक्ट रहेगा जो कि कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के लिए रहेगा, और नेचुरल वेंटिलेशन लाइटिंग भी प्रोवाइड करेगा। और ये जो हमारा रूफ टॉप आ जाएगा, ये वाटर सप्लाई की टंकी और सोलर वाटर हीटर या फिर सोलर पैनल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये था हमारा 3D प्लान। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारे इस घर का 2D प्लान चाहिए, जो कि डिटेल्ड प्लान कहलाएगा, उसमें कॉलम पोजिशन और हर चीज़ का डिटेल प्रोविज़न दिए गए हैं, तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसे ही रोज़ आप लोगों के लिए नया वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।